हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं केक, और वो भी एग्लेस केक। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाते हैं केक। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा। ये लिया है मैंने 1 कप मैदा। इस कप से सारा मैंने जो भी मेजर किया है इसी कप से मेजर किया है। तो हम लोग इस कप से मैदा लिए हैं। ये रहा पाउडर शुगर, शुगर जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और पाउडर बना लिया है, और थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और ये रहा थोड़ा सा 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और ये हम लोग लेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर। और ये रहा, आज मैं चॉकलेट केक बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए होगा ये कॉफ़ी, जिसे मैंने हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी करके उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने घोल लिया है, इसे मैं साइड करके रखूंगी। और ये चाहिए होगा हमें रूम टेम्परेचर पे दूध, दूध जो कि हमारा बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है। और ये लिया है मैंने रिफाइंड ऑयल इसी कप से। तो इस कप से लिया है, मैं इस कप से बनाने जा रही हूँ, तो इसी कप से आप ऑयल भी उतना ही लेंगे। अब मैं इसे धीरे धीरे करके इस छन्नी से छानूंगी इसे, ताकि कोई भी लम्स ना रहे। लम्स नहीं रहना फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं देखिए इस तरह से करके इसको, इस तरह से करके आप भी कर लेंगे। इसी में ये भी डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा 1/4, हल्का सा नमक, फिर इसे करूंगी। अगेन मैं इसमें डालूंगी मैदा, इस तरह से करके हम लोग सारे को छान लेंगे। देखिए ये बच गया फ्रेंड्स, इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसे फेंक देंगे। बाकी जो है उसे मैं फिर से इसमें छान लूंगी। इसी तरह से करके हम लोग सारे को छन्नी में कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा आएगा उसे हम लोग फेंक देंगे। ये रहा पर अगेन मैं इसको इसमें करूंगी प्रोसेस। ये प्रोसेस आप जितना ज्यादा बार करेंगी आपका केक उतना ही ज्यादा स्पॉन्जी होगा और अच्छा होगा। सो इसलिए मैं इसको 2 से 3 बार मैं ये प्रोसेस करती हूँ। देखिए इसी तरह से आपको करना है। सारे पानी ले ली थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कर लेंगे। तो काफी बड़ा केक बनाने जा रही हूँ, यम्मी सा केक बनने जा रहा है। पाउडर भी डालूंगी 1, 2, 3, 4। हाँ, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच एसेंस, चॉकलेट एसेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें चॉकलेट एसेंस डाल रही हूँ। आप इसमें वैनिला एसेंस भी यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी एसेंस हो आप यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास चॉकलेट एसेंस था सो मैंने इसमें चॉकलेट एसेंस ही डाला है। और आप चाहें तो ये छोड़िए, अब मैं इसमें आपको दिखाती हूँ, मैं इसमें इसमें केक बनाने वाली हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रिक कुकर का पैन है, मैं इसी में केक बनाऊंगी। आपके पास जो भी हो पतीला आप उसमें बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी में भी आप बना सकते हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे यूं गार्निश कर दूंगी। देखिए
तरह से कर देंगे हम लोग। समझ रहे हो आप क्यों किस तरह से करना है। फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसमें मैदा का हम लोग डस्टिंग करेंगे इस तरह से, और इसे आप अच्छी तरह से इस तरह से करके पूरी तरह से मिला दीजिए। जहाँ भी ऑयल है ये चिपक जाएगा और इसे आप करके जलेगा नहीं, बहुत ही बेहतरीन केक तैयार होगा आपका। इसमें रख देती हूँ और ये हमारा तैयार है बर्तन। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे का प्रोसेस में हम लोग इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के लिए मैं इसमें कॉफ़ी का जो पानी था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसे मिला दिया, तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको मिला देंगे, अच्छी तरह से पैक देंगे। क्योंकि हम लोग इस बना रहे हैं वेज केक, तो इसमें हम लोग इसलिए अंडा नहीं डाले हैं। आप मैं नेक्स्ट वीडियो पर आऊँगी एक वाला, तो देखिएगा कि एक का कैसे बनता है। ये फिलहाल मैंने चॉकलेट केक बनाया है प्योर वेज। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। इसमें यूं थोड़ा थोड़ा करके मैं डालते जाऊँगी और मिक्स करते जाऊँगी। आप ही यही सेम प्रोसेस कीजिएगा, सेम इसी तरह से डालते जाऊंगी और मिक्स करते जाऊंगी धीरे 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 धीरे। बस यही करना है आपको। धीरे 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 डालेंगे। अब मैं इसमें ये दूध डालूंगी। इस तरह आपको करना है। मैं हैंड बीटर से करती हूँ, बट सारे लोगों के पास हैंड बीटर होता नहीं है ना, इसलिए मैं आज ये बता रही हूँ ताकि सारे लोग इजीली घर में इसे बना सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए तभी आपका केक अच्छा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे तैयार कर लिया है। हमारी कंसिस्टेंसी बस ऐसी ही होनी चाहिए। अब मैं इसे डालने जा रही हूँ जिसमें मैं बनाने वाली हूँ केक। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैं धीरे धीरे करके ये देखिए इस तरह से डाल दूंगी। पूरा बैटर इसमें हमको डाल देना है। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप वनीला चॉकलेट वनीला केक बना सकते हैं, उसके लिए आप कोकोआ पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा, बस उसमें हम लोग कोकोआ पाउडर ऐड नहीं करेंगे।
बट अगर चॉकलेट केक आपको बनाना है तो आपको कोकोआ पाउडर डालना मस्ट है, तभी आपका चॉकलेट केक अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसे टैप करेंगे, टैप करना नहीं भूले फ्रेंड्स। टैप करना बहुत जरूरी है, टैप होने से ये केक बहुत अच्छा होता है, बबल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। सो हम लोग को टैप करना जरूरी है। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो उसे हल्का सा फ्लोर में यूं इस तरह से थोड़ा सा मिला लीजिए, उसके बाद आप मैं सिर्फ काजू डाल रही हूँ, तो आप इसे यूं इस तरह से करके डेकोरेट कर दे सकते हैं। इस तरह से इसमें डाल दीजिए इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से इसको सजा दीजिए, बस हो गया। और फिर से टैप कर दीजिए। अब मैं इसे डालने जा रही हूँ ओवन में। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा इलेक्ट्रिक कुकर, मैंने इसे केक मोड पे डाल दिया है 25 मिनट। अब ये 25 मिनट में ऑटोमेटिकली बंद करके बंद हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा केक बन के तैयार है, मैंने इसे निकाल दिया ओवन से। आप देख सकते हैं ये कितना स्पॉन्जी हुआ है। अब ये बहुत गर्म है तो इसे मैं अभी नहीं काटूंगी। ये देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्ज आया है इसमें और कितना बड़ा केक बना है ये आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी यम्मी और डिलीशियस है, ये आप देख सकते हैं बहुत।